हे एवरीवन, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो गाइस, फ्लटर में कंस्ट्रक्टर आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, इसके बेस्ट अप्रोचेस बताऊँगा। और गाइस, आखिर क्यों ही इसे यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर को फ्लटर में, और कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और गाइस, आपको एक सिनेरियो बताऊँगा जिस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो कि कंस्ट्रक्टर को मैं कैसे अपने यूज़ में लेके आ सकता हूँ, जो कि गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप फील नहीं ले पाओगे किसी भी कंसेप्ट की, तो आपको कैसे पता लगेगा कि उसे मुझे किस तरीके से, किस जगह पर यूज़ करना है और किस बेस्ट वे में यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ओके गाइस, तो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर गाइस, जैसे कि हमने यहाँ पे एक मैंने क्लास बना रखी है प्रोडक्ट नाम की, ठीक है, ये हमारी क्लास बना रखी है। अब गाइस, इसका कंस्ट्रक्टर है यही। अब गाइस, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के सेम ही होता है, ठीक है। और जो गाइस इसके अंदर डिफाइन करके है मैंने पैरामीटर, इसे हम किस किस टाइप के पैरामीटर्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है इसका क्या इस्तेमाल होता है। वैसे की का कंसेप्ट अगर आपको पता है, अगर आप फ्लटर आप यूज़ करते हो तो आपको पता ही होना चाहिए कि आखिर हमें की यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं। और वैसे अगर नहीं पता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो कीज़ का भी मैं आपको बारे में बता दूंगा कि कीज़ आगे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर विजिट के अंदर, ठीक है। बट अभी हम अपने कंसेप्ट पर आते हैं। सबसे पहले वैसे यहाँ पर मैंने डिफाइन करा है टाइटल, एक पैरामीटर जो कि गाइस मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, और गाइस डिस्क्रिप्शन। अब गाइस यहाँ पे आप किसी भी टाइप का डेटा यहाँ पे असाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर चाहो तो आप यहाँ पे फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, फंक्शन टाइप यहाँ पे असाइन कर सकते हो कंस्ट्रक्टर को, इंटीजर टाइप या ऑब्जेक्ट टाइप भी यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पैरामीटर आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो कंस्ट्रक्टर के अंदर। गाइस रिक्वायर्ड पैरामीटर गाइस हम यहाँ पे जो है इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अभी गाइस आप यहाँ पे एक्सेस करोगे प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर को, तो गाइज आपको टाइटल वहाँ पे पास करना ही होगा एज अ पैरामीटर। अगर गाइज आप पास नहीं करोगे टाइटल एज अ पैरामीटर, आपको कोड बेस जो है एरर दिखा देगा। गाइज दिस जो टाइटल जो है ये ऑटोमेटिकली गाइज पॉइंट करता है मेरे पेरेंट टाइटल पे, ताकि कोई भी वैल्यू आए, अगर अगर हम गाइज कोई भी वैल्यू लेते हैं कंस्ट्रक्टर थ्रू, तो ऑटोमेटिकली गाइज इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाती है वो वैल्यू, ठीक है। और गाइज आपको अगर एक्सेस करनी है अब वैल्यूज़ अपने कंस्ट्रक्टर की, तो गाइस अगर आप स्टेटफुल विजिट में हो तो गाइस आप सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे, विजिट डॉट जो भी आपको पैरामीटर है, टाइटल है या डिस्क्रिप्शन है, तो गाइस आप यहाँ पे सिंपली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस मैंने सिंपल एक बेसिक से एग्जांपल बताया, आप यहाँ पे कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा सेंड कर सकते हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे फंक्शन हो, या मैप हो, कुछ भी गाइस आप यहाँ पे मतलब सिंपली लिस्ट हो पास कर सकते हो अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर जो गाइस होता है हमेशा क्लास के नाम का होता है, और गाइस यहाँ पे पैरामीटर जो है आप चाहो तो यहाँ पे नेमिंग पैरामीटर, अगर आप यहाँ पे ये हटा दोगे करली ब्रैकेट्स, तो गाइस अभी भी आप यहाँ पे पास कर सकते हो, अभी भी गाइस आप यहाँ पे जो वैल्यूज है पास कर सकते हो। बट आप गाइस पोजीशन वाइज वैल्यू सेंड करनी होगी। सपोज फर्स्ट पोजीशन पे टाइटल है तो टाइटल ही से आपको सेंड करना होगा फर्स्ट पोजीशन पे, और सेकंड पे आपको डिस्क्रिप्शन, और थर्ड पे गाइस आपको की। लेकिन गाइस जैसे ही आप यहाँ पे करली ब्रेसेस ऐड कर देते हो तो गाइस आपको नेमिंग कन्वेंशन मिल जाता है। जब भी आप अपना प्रोडक्ट डिफाइन करोगे जहाँ पे टाइटल है, तो गाइस यहाँ पे आप नेमिंग कन्वेंशन आप इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आप प्रोडक्ट डिफाइन करोगे, ठीक है। ओके गाइस, अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि किस तरीके से गाइस मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट टाइप की मैंने बनाई विजिट, उसके अंदर गाइस क्या करूँगा मैं डेटा करूँगा पास, डिफरेंट डिफरेंट डायनेमिकली डेटा करूँगा पास, और गाइस ऑटोमेटिकली जो मेरे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे क्रिएट होते रहेंगे, ठीक है। तो गाइस मेन कंस्ट्रक्टर का यूज़ ही यही होता है कि आप किसी भी सेपरेट विजिट पे डायनेमिकली डेटा पास कर सकते हो कंटिन्यूसली, ठीक है। सपोज गाइस यहाँ पे मैंने क्या करा, प्रोडक्ट है। सबसे पहले गाइस हमें इंपोर्ट करना होगा अपने प्रोडक्ट को, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर रखा है कंपोनेंट फाइल के अंदर मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। उसका गाइस क्या होगा, मैं प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं क्या यहाँ पे क्या लिखा, मैंने प्रोडक्ट, और अगर टाइटल रिक्वायर्ड है तो अगर मैं टाइटल यहाँ से हटा देता हूँ तो देखोगे यहाँ पे एरर आ गया, मतलब टाइटल यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो गाइस टाइटल आपको यहाँ पास करना ही पड़ेगा। और गाइस अगर यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो गाइस तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन में इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। क्योंकि टाइटल होगा तो यहाँ पे टाइटल होगा, की होगा तो की, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, वरना गाइस क्या होगा आपको यहाँ पे पोजीशन वाइज यहाँ पे डेटा पास करना पड़ेगा अगर यहाँ पे अगर आपने नेमिंग कन्वेंशन यूज़ नहीं कर रखा है। अगर आप यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन यूज़ नहीं कर रखा है तो यहाँ पे आपको पोजीशन वाइज डेटा पास करना पड़ेगा। तो गाइस उससे क्या होता है कि एरर आ जाता है कई बार। कौन सा एरर आता है, सपोज यहाँ पे सेकंड पोजीशन में है डिस्क्रिप्शन और थर्ड पे है की, लेकिन यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ सेकंड पे की और थर्ड पे डिस्क्रिप्शन। तो गाइस इस टाइप के एरर यहाँ पे आएंगे, आपको काफ़ी फेस करने को मिल जाएंगे। तो गाइस इसे ठीक करने के लिए हमेशा आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे गए गाइस, यहाँ से मैं दोबारा पहले की तरह कर देता हूँ, टाइटल की डिस्क्रिप्शन, ठीक है।
अब गाइस यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले मैंने पास करा टाइटल, उसके बाद गाइस मैंने पास करी एक ग्लोबल की, जो कि गाइस की विजिट के अंदर की पास करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि उसे एक यूनिक आइडेंटिटी देता है ताकि वो आपका ओवरलैप ना करे बाकी प्रोडक्ट से, ठीक है। तो की पास करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में गाइस आप जो मर्जी चाहो डिस्क्रिप्शन पास कर सकते हो, ठीक है। मैंने गाइस सिंपल यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है, एक क्लास थी, ठीक है, ये प्रोडक्ट क्लास है, इसके कंस्ट्रक्टर है जो कि गाइस यहाँ पे, और कंस्ट्रक्टर गाइस अगर यहाँ पे नहीं होगा तो आप इस क्लास के अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं कर सकते हो, ठीक है, प्री डिफाइन वैल्यू पास नहीं कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे आप इस क्लास के अंदर प्री डिफाइन वैल्यूज यहाँ पे पास कर सकते हो, जो कि यहाँ पे लेगा और गाइस यहाँ पे असाइन कर देगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिंपली आप क्या कंस्ट्रक्टर गाइस यूज इसलिए करते हैं ताकि हम किसी क्लास के अंदर से प्री डिफाइन वैल्यू असाइन कर सकें, ठीक है, सिंपल। उसके बाद गाइस मैंने डेटा यहाँ से पास करा और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल है, यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ दिस टाइटल जो भी है गाइस, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ मैंगो, या फिर यहाँ पे गाइस लिख देता हूँ मैं मैंगो, तो आज सेव कर दूंगा, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंगो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो भी डेटा है मैं इस विजिट में पास कर रहा हूँ इस क्लास में, और गाइस आप चाहो तो इसे मल्टीपल भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, जितने चाहो उतने क्रिएट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, और गाइस यहाँ पे देख सकते हो। यही गाइस पावर है कंस्ट्रक्टर की कि आप यहाँ पे डायनेमिकली डेटा पास कर सकते हो, यहाँ पे जो भी चाहो गाइस आप लिख सकते हो अपने, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ बस, आप यहाँ पे जो भी मत चाहो अपने हिसाब से लिख सकते हो और यहाँ पे गाइस आपको लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब गाइस आप प्रोडक्ट विजिट के अंदर आप कोई भी डेटा पास कर सकते हो, किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। गाइस ये तो बात होगी स्टेटफुल विजिट की। अगर आप स्टेटलेस विजिट में हो तो गाइस आपको यहाँ पे विजिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो आप उसकी कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर गाइस आपको लगता है इस वीडियो में कुछ भी आपके काम आया हो तो गाइस इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप आईटी फील्ड से रिलेट करते हो, क्योंकि गाइस मैं इसमें फ्लटर से रिलेटेड, जैंगो से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो डालता रहता हूँ जो कि आपकी काफ़ी यूजफुल आने वाली है।